हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिसेस संगीता पाटिल्स यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास नाइन्थ की वार्षिक परीक्षा 2023-24 के इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। सो फर्स्ट सेक्शन ए रीडिंग, क्वेश्चन नंबर वन, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो पैसेज है डिसिप्लिन के बारे में दिया हुआ है। सो पैसेज इज अबाउट डिसिप्लिन। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। डिसिप्लिन शुड बी एनफोर्स। डिसिप्लिन को कब एनफोर्स करना चाहिए? तो ये स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, इट शुड बी एनफोर्स अर्ली इन लाइफ। सो आंसर विल बी सी, अर्ली इन लाइफ। देन क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड। डिसिप्लिन बच्चे के लिए क्या करता है? तो पैसेज में देखते हैं, यहाँ दिया है फॉर्म्स हिज कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन। सो आंसर विल बी ए, फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स कौन कौन सी हैं? सो लेट्स सी इन द पैसेज। यहाँ पे दिया है, अ चाइल्ड हुज हैबिट्स हैव बीन डिसिप्लिन एंड हु हैज बीन टॉट टू राइज अर्ली, अटेंड टू हिज लेसन प्रॉपरली, टेक फिजिकल एक्सरसाइज एट प्रॉपर टाइम and avoid things that are injurious will grow up to be a useful member of the society। तो ऐसा ऑप्शन यहाँ पे दिया है, avoid things that can be injurious। ऐसी चीज़ें जो injurious है या harmful है उन्हें avoid करना चाहिए। Then question number फोर, identify a word from the passage which means spoiled। तो passage में से ऐसा word ढूंढ के बताना है जिसका अर्थ होता है spoiled। स्पॉइल्ड का मीनिंग होता है ऐसी चीज़ जो बेकार हो गई हो या ख़राब हो गई हो। तो पैसेज में ऐसा वर्ड हम ढूंढेंगे वो है अनहोलसम। ईटिंग अनहोलसम थिंग्स मीन्स बेकार चीज़ें खाना। सो आंसर विल बी अनहोलसम। देन फिफ्थ, राइट द एंटोनिम ऑफ फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का एंटोनिम लिखना है। एंटोनिम का अर्थ होता है ऑपोजिट। तो फ्रीक्वेंटली का अर्थ होता है बार बार, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा इनफ्रीक्वेंटली, सेल्डम या रेयरली। तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर टू, ये भी एक पैसेज दिया हुआ है। पैसेज जो है वो टी के बारे में है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन टी इज पॉपुलर इन। ग्रीन टी कहाँ पर पॉपुलर है? तो ये यहाँ पर दिया है चाइना एंड फार ईस्ट। सो आंसर विल बी सी ऑप्शन, चाइना एंड फार ईस्ट। देन सेकेंड, द ट्रेडिशनल वे ऑफ ग्रीटिंग गेस्ट इन जापान। जापान में गेस्ट को ट्रीट करने का ट्रेडिशनल वे कौन सा है? तो यहाँ पे दिया हुआ है टी सेरेमनी इज अ ट्रेडिशनल वे। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा टी सेरेमनी। देन थर्ड, ग्रीन टी इज, उसका कलर कैसा होता है वो बताना है। तो यहाँ पे दिया है इट इज़ एन ऑलिव कलर लिक्विड। सो आंसर विल बी सी ऑप्शन, olive colored। Then fourth, in Morocco green tea is infused with freshly plucked। Morocco में green tea के साथ क्या मिलाया जाता है? Fresh वाला। So that is freshly plucked mint। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा mint। Then five, identify the word from the extract which means untidy or dirty। Extract में से ऐसा word ढूंढ कर बताना है जिसका अर्थ होता है अनटाइडी या डर्टी मीन्स गंदा। तो ऐसा वर्ड यहाँ पर है मैसी। देन सेक्शन बी राइटिंग, क्वेश्चन नंबर थर्ड, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड ऑल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट। तो पैसेज पढ़ के इसके बारे में नोट्स बनाना है और टाइटल भी लिखना है। तो ये नोट्स आपको 1.1, 1.2 वाले पैटर्न में ही बनाना है और टाइटल यहाँ पर हो जाएगा वर्किंग वूमेन। वर्किंग वूमेन के बारे में ये पैसेज है। नोट्स बनाने के लिए आप मेरा नोट मेकिंग वाला वीडियो देख सकते हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देन क्वेश्चन नंबर फोर, यू आर रीता शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल। तो बच्चे का नाम और स्कूल का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है टीसी या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है टीसी के लिए। बच्चे का नाम और स्कूल का नाम इसमें पहले से दिया हुआ है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम ये एप्लीकेशन लिख लेंगे।
इसका जो और में क्वेश्चन दिया है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, फ्रेंड को लेटर लिखना है जिसमें थैंकिंग हर और हिम फॉर द बर्थडे प्रेजेंट, उसने जो बर्थडे प्रेजेंट दिया है उसके लिए उसे थैंक्स देना है, तो ये लेटर फ्रेंड को लिखना है। तो दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 150 वर्ड्स। टॉपिक यहाँ पर दिए हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, देन नेक्स्ट माई हॉबी, सी इंपॉर्टेंस ऑफ फेस्टिवल इन आवर लाइफ, एंड डी साइंस एंड मैन। तो साइंस एंड मैन या वंडर ऑफ साइंस यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। तो ये एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें ट्रीज के इम्पोर्टेंस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स भी दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, रिड्यूस एरोशन, प्रिवेंट्स फ्लडिंग, एड ऑक्सीजन, कूल्स अवर हाउसेज, प्रोवाइड्स फ्रूट, प्रोवाइड मेडिसिन, और दो स्लोगन भी दिए हैं इसमें, प्लांट अ ट्री एंड सेव अवर ट्री। तो ये सभी पॉइंट्स को मिलाकर ट्रीज के बारे में हम एक पैराग्राफ बहुत आसानी से लिख सकते हैं। देन सेक्शन सी, ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट एनी 5। तो इसमें कोई 5 करना है। सो फर्स्ट, माई मेड हैज ब्लैंक द फ्लोर। ऑप्शंस आर वॉश, वॉश्ड एंड वॉशिंग। अब यहाँ पर वर्ड आया है हैज़ जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहता है, और इस टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वॉश्ड। सो माई मेड हैज़ वॉश्ड द फ्लोर। देन बी, वी ब्लैंक स्पीक द ट्रूथ। हमें सच बोलना चाहिए। अब ये हम एक सजेशन या सलाह दे रहे हैं, तो जब भी हम सजेशन या सलाह देते हैं तो वहाँ पे जो मॉडल यूज़ करेंगे वो है शुड। सो वी शुड स्पीक द ट्रूथ। द नेक्स्ट सी, फ्रॉग्स आर जंपिंग ब्लैंक द रिवर। ऑप्शंस आर ऑन, इन एंड इन टू। ऑन का अर्थ होता है ऊपर, इन अंदर, और ऑन और इन रेस्टिंग पोजिशन में यूज़ होता है, और थर्ड ऑप्शन है इन टू। ये हम तब यूज़ करते हैं जब उसमें मोशन होता है या वस्तु जो है वह गतिशील रहती है। अब फ्रॉग्स जब रिवर में जंप करेंगी तो किसी एक जगह पर तो रहेंगी नहीं, उसमें मोशन होगा, इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा इन टू। देन डी, रीता इज ब्लैंक टॉलेस्ट गर्ल ऑफ आवर क्लास। ब्लैंक के बाद जो वर्ड दिया है वो है टॉलेस्ट। ये सुपरलेटिव डिग्री है क्योंकि इसमें ESTE लगा हुआ है, तो सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड जब भी आएगा तो उससे पहले हमें द यूज़ करना है। सो रीता इज़ द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ आवर क्लास। माय ग्रैंड मदर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर ब्लैंक मॉर्निंग। और यहाँ जो ऑप्शंस दिए हैं वो है फॉर और सिंस। अब यहाँ पर फिक्स टाइम दिया हुआ है, तो जब फिक्स टाइम दिया रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा सिंस, और जब इसकी अवधि दी रहती है तो इसमें आता है फॉर। देन एफ, फिजिक्स ब्लैंक नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, एंड ऑप्शंस आर इज एंड आर। अब फिजिक्स सिंगुलर है, एक ही सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आ जाएगा इज। देन क्वेश्चन नंबर 8, डू एज डायरेक्टेड एनी 5। सो ए, वी लाइक स्वीट्स चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। इसे इंट्रोगेटिव बनाना है। सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट में दिया हुआ है और वर्ब यहाँ पर है लाइक। तो जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया रहता है और एस और यस उसमें नहीं रहता है, तो जो हेल्पिंग वर्ब हम उसमें यूज़ करेंगे वो है डू। तो डू को हम सामने ला लेंगे। सो डू वी लाइक स्वीट्स एंड देन क्वेश्चन मार्क। देन बी, ही सिंग्स अ सॉन्ग चेंज इनटू पास्ट इनडेफिनिट टेंस। इसे पास्ट इनडेफिनिट में चेंज करना है, और यहाँ पे सिंग्स दिया है मीन्स प्रेजेंट इनडेफिनिट में है, और इसे पास्ट इनडेफिनिट बनाना है, तो V1 की जगह हम V2 कर देंगे, तो सिंग्स की जगह यहाँ पर आ जाएगा सैंग। सो ही सैंग अ सॉन्ग। देन सी, ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर। ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो है फॉरबेड। फॉरबेड का अर्थ होता है मना करना। तो ही सेड टू की जगह कर देंगे फॉरबेड मी, फिर ये डोंट यहाँ से हटा देंगे, टू ओपन द डोर। इसे हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ही फॉरबेड मी फ्रॉम ओपनिंग द डोर। देन डी, चिल्ड्रन रीड बुक्स चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसे हम चिल्ड्रन रेड बुक्स भी पढ़ सकते हैं, मींस ये प्रेजेंट और पास्ट टेंस दोनों में ही है। तो अगर हम इसे प्रेजेंट टेंस मान के चलेंगे तो पैसिव में जो सेंटेंस होगा वो होगा बुक्स आर रेड बाय चिल्ड्रन, और अगर हम इसे पास्ट टेंस मान के चलते हैं
तो आंसर हो जाएगा बुक्स वर रेड बाय चिल्ड्रन. देनी एज सुन एज ही वेंट आउट हिज फ्रेंड केम इन. री राइट द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर देन. तो नो सूनर देन यूज करके ये सेंटेंस फिर से लिखना है. तो ये जो एज सून एज है इसकी जगह लिख देंगे नो सूनर. अब यहाँ पे जो वर्ब दी है वो है वेंट, मीन्स पास्ट टेंस में दी है, तो यहाँ पर लग जाएगा डिड ही, और ये वेंट की जगह हो जाएगा गो आउट. अब कॉमा की जगह लग जाएगा देन, और ये बाकी एज इट इज रहेगा हिज फ्रेंड केम इन. सो नो सूनर डिड ही गो आउट देन हिज फ्रेंड केम इन, मीन्स एज सून एज की जगह नो सूनर लगाना है, डिड लगाना है, वेंट की जगह गो करना है, और कॉमा की जगह देन लगाना है. देन एफ द ओल्ड मैन इज वेरी वीक ही कैन नॉट वॉक. री राइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट. सो दैट यूज करके सेंटेंस फिर से लिखना है. तो ये जो वेरी है वेरी की जगह लगा देंगे सो, और यहाँ बीच में लगा देंगे दैट. सो द ओल्ड मैन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक. देन सेक्शन डी टेक्स्ट बुक आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी फोर. फर्स्ट हु वॉज मैकडोनाल्ड. मैकडोनाल्ड कौन थे? तो ये केजिया के नेबर थे. देन सेकेंड वॉट डज द पोएट होप टू गेट एट इन इज फ्री. इन इज फ्री में पोएट को किस चीज़ की आशा थी? सो आंसर इज पीस या शांति की. देन थर्ड डिप्रेसिंग ट्रीटमेंट इन द US मेड मारिया. US में जो निराशाजनक ट्रीटमेंट हुआ उससे मारिया पर क्या प्रभाव पड़ा? तो वो उससे और भी स्ट्रांग बन गई, मीन्स डी ऑप्शन टफ. देन फोर्थ वॉट इज कंसिडर्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड. द रूफ ऑफ द वर्ल्ड या संसार की छत किसे कहा जाता है? सो आंसर इज सी टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट. देन फिफ्थ विच रिवर फ्लोज नेक्स्ट टू पशुपतिनाथ टेम्पल. पशुपतिनाथ टेम्पल के साइड से कौन सी नदी बहती है? सो आंसर इज बागमती. देन क्वेश्चन नंबर 10 रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. तो ये जो एक्सट्रैक्ट है द लिटिल गर्ल से लिया गया है. फर्स्ट क्वेश्चन द लिटिल गर्ल फियर्ड एंड अवॉइडेड. तो वो जो लड़की है उससे किससे डर लगता था? तो उसको उसके फादर से बहुत डर लगता था और उसी को वो अवॉइड करती थी. सो आंसर विल बी बी हर फादर. देन सेकेंड हर फादर विजिटेड हर. उसके पापा उसको कब विजिट करते थे या कब देखने जाते थे? तो यहाँ पे दिया है एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस. सो आंसर विल बी इन द मॉर्निंग. देन थर्ड फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स आंसर्ड. पैसेज में से ऐसा वर्ड ढूंढ के बताना है जिसका आंसर होता है आंसर करना. मीन्स आंसर करने के लिए हम दूसरा वर्ड कौन सा यूज कर सकते हैं? तो करेक्ट वर्ड इज रिस्पॉन्डेड. देन बी रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. तो ये जो एक्सट्रैक्ट है विंड पोएम से लिया गया है. तो फर्स्ट क्वेश्चन हुम डज द पोएट रिक्वेस्ट इन द अबोव लाइन्स. तो इसमें पोएट किससे रिक्वेस्ट कर रहा है? सो आंसर इज ए विंड. देन सेकेंड राइट एनी वन एक्शन ऑफ द विंड. विंड का कोई भी एक एक्शन या काम लिखना है. तो इसमें चार काम दिए गए हैं कि कम सॉफ्टली धीरे धीरे आती है, ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज, विंडो के शटर ब्रेक कर देती है, स्कैटर द पेपर्स पेपर फैलाती है, और थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ में जो बुक्स रखी हैं उन्हें फेंक देती है. तो इनमें से हम कोई भी एक काम लिख सकते हैं. देन थर्ड फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स थ्रो इन डिफरेंट डायरेक्शंस. डिफरेंट डायरेक्शंस को थ्रो में थ्रो करना, इसके लिए एक वर्ड यहाँ से ढूंढ कर लिखना है. सो आंसर इज स्कैटर. स्कैटर का मतलब होता है पूरा इधर उधर फैला देना. देन क्वेश्चन नंबर 11 में प्रोस से क्वेश्चंस दिए हैं, तो इसमें से कोई सिक्स करना है. देन क्वेश्चन नंबर 12 इसमें पोएट्री या पोएम से रिलेटेड तीन क्वेश्चंस है, तो इसमें से कोई दो करना है. देन क्वेश्चन नंबर 13 ये तीनों क्वेश्चन सप्लीमेंट्री रीडर से लिए गए हैं, तो इसमें से भी कोई दो करना है. देन क्वेश्चन नंबर 14 15 और 16
ये तीनों में से दोनों में से कोई एक एक क्वेश्चन करना है, और ये प्रोज पोएट्री और सप्लीमेंट्री रीडर से लिए गए हैं। सो आई एम श्योर दैट यू माइट हैव अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस एंड यू ऑल विल स्कोर गुड मार्क्स इन दिस पेपर। थैंक यू।